हे hey दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7 बजे हैं, नहा कर मैं भी रेडी हूँ, विक्रांत भी रेडी हैं, बच्चे तो यहीं पर हैं। बच्चों को अभी नहीं उठाया क्योंकि रात को लेट ही सोते हैं और सुबह को जल्दी उठाऊंगी तो परेशान ही करेंगे। पूजा के लिए हम रेडी हो गए हैं, पूजा क्योंकि जल्दी जल्दी होनी है, फिर पंडित जी को कहीं हवन के लिए जाना है। तो यहाँ मैं विक्रांत की टी शर्ट आयरन कर रही हूँ, विक्रांत की टी शर्ट मैंने आयरन कर दी। विक्रांत और सोच रहे कि मतलब बच्चों पहले सोच रहे थे कि बच्चों को ले जाए, फिर सोचा क्या इन्हें उठाएंगे और लेकर के जाएंगे, तो इनको घर पर ही छोड़ देंगे, सिर्फ मैं और विक्रांत जा रहे हैं और बस अब निकलने ही वाले हैं। थोड़ी बहुत देर में सामान मैंने सब सेट कर लिया है, सच कुछ सामान नहीं था, बहुत ही मतलब बेसिक सा सामान, जैसे कच्ची हल्दी, पिसी हुई हल्दी और नाग नागिन का जोड़ा, सुपारी, तांबे की लुटिया, गंगा जल, कोयला, मतलब ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी सी चीजें थी, तो बहुत थोड़ा सा सामान था, तो वो हमने सेट कर लिया है और बस अब निकल जाएंगे। पंडित जी आ जाएंगे तो तुरंत वहां पर जो भी पूजा होती है छोटी सी वो करके फिर हम घर ही वापस आ जाएंगे। विक्रांत को जाना है गाँव वोटिंग के लिए, जाना तो मुझे भी है घर पे, लेट्स सी के मतलब जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ, नॉट श्योर के जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। वैसे वोट तो मुझे डाल कर आना है, चाहे फटाफट जाकर वोट ही डाल कर आऊं, वोट तो करनी है, जरूर करनी है भैया, ये तो हमारा अधिकार है, हमारा हक है। तो शिवी का दूध करके रख देती हूँ, जैसे कि पीछे से अगर ये उठे तो दूध पी ले, तो यही बस छोटा मोटा काम निपटा देती हूँ तब तक। लोकेशन पर हम आ गए हैं, खुदाई पूरी हो चुकी है, जो कल बाकी थी ना वो भी हो गई, इसके अलावा ईंटें भी आ गई हैं और आर्किटेक्ट को मतलब उसकी विजिट है, उनकी सॉरी आर्किटेक्ट की आज विजिट है, तो वो देख करके बता देंगे कि मतलब और कितना गहरा खुदना है, मतलब सारा जो नापना होता है वो उनका अपना काम होगा, वो चीज़ें चेक करके उसके बाद। कल तो सैटरडे हो जाएगा तो कल तो स्टार्ट नहीं करेंगे, परसों से होपफुली पूरा काम स्टार्ट हो जाएगा। उधर तक सारा हो गया क्या? अच्छा, कल तो ये कह रहे थे कि वो कर देंगे यहाँ पर, कोई नोब लगा देंगे जिससे कि बंद हो जाएगा। नोब मिले नहीं तो मिस्त्रियों ने ये लगा दिया, वैसे पानी लीक हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गीलापन दिख रहा है, वरना इतना ज्यादा नहीं होता है ना। ये वाली मिट्टी कहाँ जाएगी? वापस इसी के अंदर। क्यों? 3 फीट ऊंचा रहेगा ना जमीन से। अच्छा तो मिट्टी डलेगी वो पूरी, डलने के बाद वापस भरी जाएगी पूरी। ओके, एक तो मैं यार ये प्लाजो पहन के आ गई, छोड़े वाला लंबा है तो पूरा नीचे से गंदा हो गया।
बस गंगा जल है और ये ले लूंगी, है ना। अच्छे से हमारी पूजा हो गई है, ये सामान हमने वापस से रख लिया है कार में। देवताओं का प्रसाद आज ही चला जाएगा। मम्मी से एक बार फोन करके पूछ लेना, ठीक है। खान आपके हैंड वॉश करो, पानी है इसमें, पानी पीना हो तो पानी आरो का साफ है। पी लूंगा तो बाद में। चले करो 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 करो, प्लेट गिर जाएगी। सीधे रख दूं बस इसको, मैं प्लेट बाहर आगे रखो, नहीं सारी गिर जाएगी। बेटा आकर के यार, मतलब इतना ज्यादा काम हो गया था ना, बहुत ही ज्यादा। पहले नाश्ता बनाया, फिर विक्रांत गांव चले गए थे और वोट डाल के आया। किसको नहीं पता, इसको पता है। यहीं पे रखो इसको, हाउस हेल्प भी आज एक ही टाइम आई तो वो सारा काम भी होगा। फिर ना रात में 2 बजे के आसपास सोई थी और सुबह 6 बजे उठ गई, तो नींद भी बहुत ज़्यादा आई थी। 1.5 घंटे में सोने के बाद 1 बजे उठी हूँ। फिर इन बच्चों को भूख लगी थी तो इनके लिए खाना बनाया। ये मैंने बनाया बेसन का चीला, इसके इसको भी अच्छा लगता है और इसको भी अच्छा लगता है, दोनों ही खा लेते हैं। सारांश ने रात में चावल खाया। अब मैं सोच रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने मट्ठा भिजवाया है तो मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी बना लूँ। हाँ जी बेटा, और विक्रांत अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे मैं भी एक बार फटाफट जाकर के वोट डाल के आ जाऊंगी। शिवी लीजिए, मैं तो नहाए भी नहीं जैसे ही जाऊंगी, वोट डाल करके तुरंत आ जाऊंगी। मम्मा को ना वोट डालने के लिए जाना है। शिवू कहाँ है, टेक इट। आज इसमें शिवू को मट्ठा दिया है और वो बड़े आराम से खुश होकर के पी रही है। मतलब इससे ना ये इजीली पी लेती है, वरना स्पून से अगर दो ना तो बहुत परेशान करते हैं। शिवू टेक इट बेटा, इसमें से निकल जाऊंगी शिवी के लिए, टूट जाएगा। टूट जाएगी, अब आप बड़े हो गए उसके लिए। लीजिए बेटा, ये लो शिवू, शिवू ये बोल रहे कि आप मेरे वॉकर में। वोट डालकर मैं आ गई हूँ, ये देखो पास नहीं था बिल्कुल। आप नहीं डाल के किसको ढूंढ रहे हो, अभी मिला नहीं आपको, नीचे तो नहीं है सार्थक। ये है मेरे बड़े भैया, सबने वोट कर दिया है। भाभी आपने ना कहा क्यों एक वोट खराब कर दिया, उनसे पूछियो कि बदले में भाई हमारे घर पे है, जाकर देखा वोट हम कराएंगे आपके। नहीं करी आती भाभी, बिल्कुल खाली पड़ा है। चलो मैं लेके चल रही हूँ, ऐसे ना करते भाई। देखियो आप डाल गई हो, भैया इनसे बोलो मैं ले जाऊंगी, बिल्कुल खाली पड़ा था। चलो ये देखो, ये देखो वोट नहीं कर रही है भाभी, कितना बोल रहे। बोला जाता है ना कि अपने साथ धक्का दे के ले चलो, इनको कैसे धक्का दे के ले चले। चलो भाई, बाकी सबने कराएगा, सब होगा। तुम्हें कोई परहेज है मोदी से, हम तो अब की बार फिर से मोदी से मोदी सरकार अच्छी चल रही है। इंडिया का सूट पहन रखा, अब ये कह रही मैं कैसी लग रही हूँ है ना। देखो मैंने भी गुड, मैं भी डाल गई, मेरे तो
तुम्हारी भी नहीं है? हाँ मेरे भी वहाँ बनी नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है मैं जा ही नहीं पाती विक्रांत का ऑफ नहीं, तो वहाँ तो मतलब जाके करवाना इनकी वहाँ की सुबह वहाँ डाल के आए इशिका है डाला है चलो जी वाइफ परी रह रही है सिर्फ एक इन्होंने नहीं डाली। सो हम घर पर आ गए हैं, रास्ते में रुके हैं, विक्रांत पेट्रोल डला रहे हैं कार में। यस देखो दोस्तों मैं क्या लेकर के आया हूँ, नानी से पैसे लिए क्रैक्स खाने के लिए और टॉर्च लेकर के आ गया, फिर उसके बाद क्रैक्स चाहिए तो फिर से क्रैक्स भी लिए, है ना? मजा आया? बहुत मजा नहीं आया? आया आया बहुत मस्ती करके आए तो सार्थक भाई और करण के साथ। करण सार्थक भैया ने तो सार्थक मॉर्निंग स्पोर्ट्स की टी शर्ट पहनी थी। मॉर्निंग स्पोर्ट्स की टी शर्ट? आप भी तो घर पे अपनी मॉर्निंग स्पोर्ट्स की टी शर्ट पहनते हो? पहनता हूँ पर ये वाली की पुराने पुराने वाली पहननी थी। अच्छा भैया वो आपकी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं, पापा डीजल भरा रहे ना कार में, तो वो देखो क्लीन कर रहे। देखो कितने अच्छे से इसको वाइप करेंगे। देखो अभी यहाँ पे इसको यहाँ से वो किया, पहले इस पर सर्फ लगाया और अब देखो वाओ ये कैसी गाड़ी, कितनी अच्छी क्लीनिंग हो गई। ये कैसी गाड़ी की है ना, ये कैसी गाड़ी है, मुझे ऐसी गाड़ी पसंद नहीं है। अच्छा मुझे बस स्कॉर्पियो और हैरियर और थॉर। शिवी को हम घर पे छोड़ के गए थे क्योंकि जब घर से निकले थे ना वो सो रही थी, और तभी सोई थी सुबह से, अगर उठाते तो फिर मतलब परेशान नहीं करती, कच्ची नींद में उठ जाती। तो शिवी को और सारांश को घर पे छोड़ दिया था, मम्मी ने सारांश के लिए समोसे दिए, हम लोग खा करके आ गए, सारांश के पैक करके दिए हैं समोसे। इसके अलावा ककड़ी दी है क्योंकि खेत जो है हमारे मतलब मेरे पापा जी के जो खेत है उन पे माली काम करता है, तो ककड़ी दी है, तरबूज दिया है जो कि पीछे रखे हैं। सारा काम फिनिश करके अब आ गए हैं नीचे वॉक के लिए, काफ़ी देर से वॉक कर भी रहे हैं, तो अचानक मुझे याद आया कि यार ब्लॉग तो मैंने अपना ख़त्म किया ही नहीं। जब मैं खाना बना रही थी ना, डिनर बना रही थी, तब सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आज मैंने कढ़ी बनाई थी, लेकिन शिवी ने उस टाइम पर इतना परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीम लेवल में जिसे बोलते हैं ना, वो वाला उसने परेशान किया। कढ़ी भी 4-5 बार बंद करके तब मैंने बनाई, है ना। चलते हैं कैमरा दिखा रही है, चलते उतनी तो कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई, और अब वॉक के बाद ऊपर जाके बस थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा ज़रूरी काम है वो करना है, उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे, तो भाई सोना है टाइम से जिससे कि नींद पूरी हो जाए। सो चलिए गाइज इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।